ये रहा सर का रूम, वी के बंसल सर का रूम, द लेजेंडरी वी के बंसल सर। फाइनली ये रहा वो लेजेंडरी चेयर। ऐसे ऑपरेट करने के बाद में सर ऐसे बैठते थे और ऐसे चलती थी गाड़ी। अब जरा हम उस पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे कि कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि कैसे सर ने पढ़ाना शुरू किया और कैसे धीरे धीरे करके कोटा इतना मशहूर हुआ। मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम वो शुरू का दशक कैसा था, कितने बच्चों के साथ सर ने पढ़ाना शुरू किया? सर कोटा में बंसल क्लासेस चल रही है, पूरे इंडिया में पैन इंडिया बंसल क्लासेस के सेंटर वगैरह हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हो, अच्छे से संभाल रहे हो, तो सर मतलब कि कैसी चल रही है चीज़ें, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आप उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हो और आपका क्या विजन है बंसल क्लासेस को लेके, क्योंकि अब सारा बागडोर आप ही संभाल रहे हो। ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे हमारे सर, और लास्ट में जब सोते थे इनके डॉग देखे और सोते थे, रामायण की चौपाई बोलते थे और फिर सोते थे। मैं टच करके एकदम गजब सा फील आ रहा है कि यार आज भी ये फ्लाई क्लियर लिखा है, क्योंकि जो ना ये सर का क्या हाथ नहीं उठता था ना, तो अच्छा, ये फ्लाई क्लियर बड़ा काम आता था। हाथ बिल्कुल नहीं उठता था। नहीं नहीं नहीं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? तो आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम ऐसे इंसान के घर पे हैं और टूर कराने वाले हैं जिन्हें फादर ऑफ कोटा कोचिंग कहा जाता है। अगर आप स्टीफन हॉकिंग जैसे इंसान से इंस्पायर्ड हो तो ये वीडियो उससे कम इंस्पिरेशनल आपके लिए नहीं होने वाला है। जहाँ तक मैंने सुना है आज कोटा में जितने भी लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं, हम बात कर रहे हैं बंसल सर के बारे में, वो कहीं ना कहीं बंसल सर के नोट्स को ज़रूर फॉलो किए होंगे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, सर का घर का टूर होने वाला है और हम आज मिलेंगे सर के घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे, और वो लेजेंडरी चेयर भी आपको दिखाएंगे जिस पे बैठकर सर ने मान के कोटा को एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाया। तो अब आइए आके चलते हम अंदर और यहाँ पे समीर सर से मिलते हैं। समीर सर जो हैं वो करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं बंसल क्लासेस के। तो यहाँ पे भाई दरवाज़ा नॉक करते हैं, वेट करते हैं। सर मैं कम इन। तो यहाँ पे हमारे साथ समीर बंसल सर हैं, एंड सर थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें अलाउ किया वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि रियली ये एक बहुत बड़ी बात है। कोटा के लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहेंगे, क्योंकि बंसल सर जो थे ना, मतलब कि लोगों का एक अलग ही अटैचमेंट था उनके साथ। मैं आज कोचिंग फील्ड में बहुत वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जिनके पास जाता हूँ सभी यही कहते हैं कि यार बंसल सर एक महान इंसान थे। तो यहाँ पे आज यही टूर होने वाला है सर के साथ। पता तो था मुझे कि आप कभी भी जो है धावा बोलने वाले बट बहुत अच्छा लगा सादिक जी, और मतलब वैसे तो खैर मैं बहुत मतलब मैं सोच रहा था कि ये कैसे सादिक जी से बचूं, बट सादिक जी एक मुझे लगता है कि आप छोड़ते किसी को नहीं हो। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो दिल से बताना चाहता हूँ कि आज चाहे मैं जितना वीडियो बना लूँ कोटा के ऊपर, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं इनकम्प्लीट हूँ सर के बिना, क्योंकि आज तक मैं सर से मिल नहीं पाया। तो ये बहुत मेरे लिए मतलब कि बहुत मैं भावुक हो जाता हूँ जब इसके बारे में सोचता हूँ, बहुत दुख होता है मुझे, बट स्टिल आप लोगों का जो प्यार सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। ये तो आपने बिल्कुल सच बोला, क्योंकि सर के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहा हमेशा से कि बड़ा ही मन करता था कि सर के संग बैठें, गप्पे मारें, और जो भी सर से मिलता था, सर का अनुभव इतना विशाल था, ना ही सिर्फ मैथ्स की फील्ड में जबकि हर एक फील्ड में कि ज्ञान बहुत बहुत मिलता था सर के संग बैठे। तो अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं नीलम मैम से, जो कि वीके बंसल सर की वाइफ हैं, और यहाँ पे मैम है, पहले तो प्रणाम मैम को। अरे बहुत क्योंकि मैम वो इंसान है जिन्होंने बंसल सर को मतलब कि उस स्थिति में सपोर्ट किया, मतलब कि मैम जो मैंने सुना है जो कि सर को जो डिजीज़ था उसमें मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, लेकिन
तब भी कैसे है? मतलब कि आपने उनको सपोर्ट किया, शुरू से सपोर्ट किया? मैंने सर की एक किताब पढ़ी है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि आपको पहले ही पता चल गया था सर के जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डिजीज था उसके बारे में, तब भी आपने जिंदगी भर सर का साथ निभाया। 73 में मेरी मैरिज हुई थी, तो 73 में क्या है, जब ये मेरे को देखने आए थे तो हल्का सा वो था, पैरों में लिम्प था। अच्छा। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है रीता गुप्ता, जो यहाँ पे उस बंसल क्लासेस में पहले काम करती, तो उसने कहा मम्मी जीजाजी को ऐसा लगता कि, तो उन्होंने कहा कि नया जूता पहना होगा तो काट गया होगा। फिर 74 में पता ही लग गई कि ये डिजीज़ है उनको, तो फिर हम लोग दिल्ली वैली गए, वहाँ उनका ट्रीटमेंट कराया, फिर डिक्लेयर ही हो गया था कि ये डिजीज़ है। फिर घर में भी थोड़ा तो सबको बुरा लगा, हो अल्लाह हुआ कि हमको बताया नहीं, ये जो था वो तो फिर एक्सेप्ट करना ही था। हम लोगों के घरों में होता था कि भाई जैसा है अब आप निभाओ। क्या बात है, मानना पड़ेगा एकदम। मान में फिर से मैम का पैर छूना चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दीजिए। सर से हम ज़रा बात करेंगे। सर कुछ सर के बारे में बात बताइए। सर जब आप छोटे थे तो मतलब कैसे, सर कैसा घर का माहौल रहता था, सर के साथ कैसा अटैचमेंट था आपका? सच बोलूँ तो घर का माहौल तो हमेशा पढ़ाई का ही रहा है। अब हमारा तो शुरुआत जैसे 5th क्लास तक हम लोग जेके कॉलोनी में रहे हैं, तो अटैचमेंट तो एक्चुअली सर से अटैचमेंट तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है, बट पता नहीं लगता था वो, क्योंकि सर हमेशा पढ़ाने में और पढ़ने में बिजी रहते, और वो एक स्ट्रगल का भी पीरियड था सर के लिए, और उस समय हम तो बहुत छोटे थे। बट ये मेरी यादें तो ये है कि भाई क्या है कि अब आपने बड़ी पर्सनल बात पूछी, तो जेके में तो जैसे 5th तक मैं और मेरी सिस्टर जो आरती बंसल है, हम लोग के बीच में लड़ाई काफ़ी होती थी, या हम लोग ऐसे होते ना मतलब भाई बहन, तो डांट हमेशा मुझे ही पिटती थी। और सर पढ़ाते हुए सर का एक था कि अगर सर डाइनिंग टेबल पर उस समय भी पढ़ाती थी जेके में, तो अगर लड़ाई होती थी तो सर का पनिशमेंट का एक रूल था कि सर जहाँ पढ़ाते थे पीछे एक बेड रखा रहता था, उस पर मुझे बोला जाता था हमेशा अब 1.5 घंटे आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। 5वीं क्लास में मुझे क्या समझ में आएगा सर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं, बस वो 1.5 घंटे कटता नहीं था बड़ा, और बड़ा गुस्सा आता था कि यार सिस्टर ने यार मुझे फंसा दिया। तो अब हम आपको वो एरिया दिखाने वाले हैं जहाँ पे सर बैठ के खाना खाते हैं, मतलब कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर, यही एरिया है, यही टेबल है जहाँ सर बैठ के खाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे लाइक सर मॉर्निंग में पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे आते थे, और यहीं पे सर का नाश्ता लगता था, और इवन फैमिली मेम्बर्स सब यहीं बैठ के हम लोग यहाँ नाश्ता करते थे। इवन टीचर्स को भी जब बुलाते थे सर, यही वो जगह जहाँ टीचर्स भी आते थे और बच्चे भी आते थे, क्योंकि बड़ा ही फेमस है सर का नाश्ता। सर जो नाश्ता लाइक ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, सभी टीचर्स भी इस चीज़ को मिस करते होंगे बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी ये सुन रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ यार बंसल सर संडे को इनवेरिएबली बुला ही लिया करते थे, चाहे टीचर्स हों चाहे पढ़ने वाले छात्र हों। क्या बात है, मतलब कि मैं टच करके एकदम गजब सा फील आ रहा है कि यार देखिए आज भी ये फ्लाई किलर लिखा है, क्योंकि जो ना ये सर का क्या हाथ नहीं उठता था ना, तो अच्छा, ये फ्लाई किलर बड़ा काम आता था। हाथ बिल्कुल नहीं उठता था? नहीं नहीं, वो कोई भी मक्खी आ रही है क्या आ रही है तो ये फ्लाई किलर, इवन हम मुझे तो याद है हम लोग के टाइम पे जब हम पढ़ते थे 97 में, तब भी फ्लाई किलर रहता था, जो 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 बच्चों को जब गलती करते थे तो हाथ पे मारने के काम आता था। मतलब कि यार ग्रेट, मतलब कि मतलब 97 के कोई बच्चे अगर इस इंटरव्यू को सुन रहा होगा या इवन, तो उसको पता होगा हाँ जो डाइनिंग टेबल पर पढ़ाई होती थी, और मतलब सर का फ्लाई किलर बड़ा फेमस हुआ करता था। और सर ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना शुरू किया, तो ये जो एक डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं उन सालों से 80 के दशक से जब सर ने ऐसे ही कुछ टेबल पे बच्चों को, हाँ उस समय ये तो बहुत अच्छी डाइनिंग टेबल है, हाँ उस समय ऐसी नहीं रही होगी जेके कॉलोनी में, हाँ, कुछ जेके कॉलोनी में, और इवन फिर तो जब 95-96 में जब हम पढ़े तो विज्ञान नगर 2K14 में। सर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वीके बंसल सर जो थे वो बीटेक किए हुए थे IIT BHU से, राइट? तो क्या लेवल पे सर ने मैथ्स पढ़ाया, एकदम कोटा सर का नाम लेता है, और समीर सर भी लेगेसी कंटिन्यू किए हुए हैं मैथ्स का एकदम से, मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर कोटा में। कोशिश कर रहे हैं सर बस कि सर ने जो भी कुछ हम लोग को ज्ञान सिखाया है बच्चों तक उस ज्ञान को अच्छे ढंग से पहुँचा सकें,
एक कोशिश है, सर जैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट हाँ एक कोशिश है कि बच्चों को एक ऑनेस्ट डायरेक्शन में ले जाया जा सके, और छोटी सी कोशिश है, देखते हैं कब कामयाब होगी, बिल्कुल होगी। क्या बात है। तो अब हम लोग चले सर का रूम दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। सबसे पहले नहा धो के फ्रेश वेश हो के पूजा, सर का एक रूल था कि सुबह यहाँ पे सर 15-30 मिनट जो है पूजा करते थे, और उनका ऐसा मानना था दिन की शुरुआत, या इनफैक्ट उनका नहीं, हर मुझे लगता है ये एक 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 पार्ट का, हर एक इंसान के लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले सर ईश्वर को धन्यवाद देते थे कि हे ईश्वर, आपने जो इतनी अच्छा हमें लाइफ दी है, जो भी है, ईश्वर को धन्यवाद करना सर हमेशा कहते थे, ईश्वर ने जो कुछ दिया उसको धन्यवाद करना ज़रूरी है। तो यहाँ से दसर का दिन शुरुआत होता था, देन फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट, एंड देन यू नो फिर तो मैथ्स, फिर तो मैथ्स के वर्ल्ड में सर चले ही जाते थे। तो यहाँ पे सुबह में पूजा करने के बाद बगल में ही पूजा रूम के बगल में ही सर का रूम है, हम आपको लेके जा रहे हैं सर का रूम के अंदर, और आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये रहा सर का रूम, वी के बंसल सर का रूम, द लेजेंडरी वी के बंसल सर, जिन्हें स्टीफन हॉकिंग ऑफ कोटा कहिए, फादर ऑफ कोटा कोचिंग कहिए, विश्व पितामह कहिए, जो जो आप जो वर्ड आप यूज कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, ख़त्म हो जाएगा उनके बारे में। ये रहा उनका रूम सर, मतलब कि रियली मुझे बहुत दुख होता है सर कि मैं क्यों नहीं मिल पाया, एक बार भी सर से नहीं मिल पाया। और यहाँ पे फाइनली ये रहा वो लेजेंडरी चेयर, इसी चेयर पे सर बैठते थे, जो भी आपने सर के बारे में देखा होगा, सर को देखा होगा फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में, कई सारे वेब सीरीज़ में भी दिखा दिया गया इन सारी चीज़ों को, तो बस यही रहता था। और यहाँ पे हमारे साथ महावीर जी हैं, और इनके बारे में बताऊँ कि मैंने एक जगह सर एक इंटरव्यू देखा था जिसमें सर ने कहा था कि वो महावीर जी के बिना इनकम्प्लीट से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर से आपका कैसा अटैचमेंट था, और आप किस तरीके से सर का हेल्प करते थे? सर का मेरे से बहुत अच्छा अटैचमेंट था, और मैं ना उनके बिना रह सकता ना वो मेरे बिना रह सकते थे, और इसमें बिठा के सुबह नीला दुला के कंप्लीट करके, और मैं मंदिर ले जाता था, मंदिर से नाश्ता करते थे, फिर वहाँ से निमट के क्लासरूम जाते थे, यही रोज का नियम। महावीर जी जो है आप ये कह सकते हो कि मतलब वाइफ का रोल तो क्या, ठीक है वाइफ ही है, बट महावीर जी आप ये कह सकते हो कि मतलब वास्तव में बिना महावीर के सर की जो ज़िंदगी थी वो अधूरी थी, और इवन जैसे महावीर जी ने कहा कि बिना सर के महावीर जी की ज़िंदगी भी अधूरी थी। और मैं तो आपके मंच के माध्यम से हमेशा ही महावीर जी का धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है महावीर जी के लिए। तो ये जो चेयर है ये एक इमोशंस हैं, ठीक है, जैसे मतलब आप खैर इसको स्टीफन हॉकिंस और इनसे जोड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को आपके, मतलब मैं तो बट मतलब यस हाँ सर, लाइक रात को ठीक मुझे लगता है सुबह उठने के बाद, ठीक है लेटेस्ट स्टेज में तो सर ने दोपहर में आराम करना चालू कर दिया था, अदरवाइज मेरे ख्याल से मैं अभी रात को 11:30-12 फिक्स टाइम था सर का सोने का, और ठीक सुबह 7 बजे उठने का टाइम था, और ज़्यादा बोलूँगा तो फिर भावुक हो जाऊँगा। आप बताओ, आप इनका महावीर जी का रूम सर के रूम से एकदम बगल में है, अंदर में ही है, ठीक है, तो एकदम सर के साथ ही रहते थे। आप जरा आप ये बताओ कि बाकी लोगों की तरह क्या सर भी मतलब कि रात में भी जग के पढ़ना, मैथ सॉल्व करना, चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए सोचना कि कल क्या करना है, ऐसा था? ऐसे खाना खा के थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे पहले, और पढ़ते थे, यहाँ पर ये टेबल लगाता था मैं उनके सामने, यहाँ बिठाता था और स्टडी करते थे थोड़ी देर, जिसके बाद में दवाई गोली जो भी उनको देता था, फिर जिसके बाद में आराम करवाता सुलाता था उनको। तो आप ही मतलब कि सर को उठा के बेड पे रखना और बेड से उठा के यहाँ करना, जैसे यहाँ से चेयर जाके वो वहाँ तक ले जाते थे, वहाँ से बस में कुर्सी से ये से उठा के और ये से बिठा के लिटा देता था। अच्छा यहाँ पे, हाँ क्या बात है। तो क्या हम देख सकते हैं कैसे ये ऑपरेट करता था? तो कैमरा सामने ले आइए जरा, हम देखना चाहेंगे, एक सेकेंड मेरे को दे दीजिए। तो ये रहा वो लेजेंडरी चेयर, और यहाँ पे महावीर जी बता रहे हैं कैसे ये वर्क करता था। जैसे सर आए, आके यहाँ सामने खड़े हो गए, यहाँ मेरे सामने, तो मैं उनको ऐसे बिठा देता था, बिठा के फिर चेयर तो वो अपने आप चला लेते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो,
जो भी उनको है जहाँ जाना आना, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं होती थी और ये मेरा काम था। कैसे वर्क करता था जब बताएंगे, चेयर वगैरह कैसे चलता था? चेयर जैसे बैठने के बाद में या बैठ के उनकी तरह? हाँ, ऐसे ऑपरेट करने के बाद में सर ऐसे बैठते थे और ऐसे चलती थी गाड़ी। अच्छा, इसमें स्पीड वगैरह भी आता था क्या? हाँ बिल्कुल आता है सर। ये स्पीड है, ये लो है, ये हाई है और बाकी ये फंक्शन है, ऊपर नीचे पैर आगे पीछे, रिलैक्स करना हो तो पीछे आगे सब हो जाती है। ये हिलेगी भी नहीं हाथ से, एकदम कंप्लीट कंट्रोल। ये 100 किलो की है? अरे बाबा रे सर, मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, क्या मैं एक बार बैठ सकता हूँ इस पर? भगवान माफ करना मुझे, मतलब कि एक बार मैं बैठता हूँ यार। अरे यार कसम से विश्वास नहीं हो रहा है कि यार मैं उस चेयर में बैठा हुआ हूँ कि जहाँ से एक इंसान बैठ के एक शहर को पूरे दुनिया में पहचान दिलाएं। रियली बस सर, अब मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाऊँगा इस पर, मेरे से नहीं होगा यार। ठीक, मैं यहाँ पे इन दोनों इंसान को मतलब कि दिल से एकदम सैल्यूट करना चाहता हूँ कि यार इन लोगों ने सर का मदद किया, सर के साथ रहते थे और रियली आप लोग ग्रेट हो। 97 में जब जेके में थे हम, जब जेके बंद हो गई थी तो हमारी घर की परिस्थिति इतनी ये मतलब गड़बड़ हो गई थी, उसके बाद हमें सर ने इनके पास साहब के पास नौकरी रखा। अच्छा, और 24 साल से हम सर के पास हैं। अरे बाप, 24 साल से कंटिन्यूस सर की सेवा करी है। और हम साथ ही हैं दोनों, साथ ही हैं दोनों जेके में से, भी साथ थे, इनके साथ भी साथ। मतलब हमें सर ने महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी जेके बंद हो गई। अच्छा, इसी चीज़ की हमारे बच्चों की शादी, तीनों बच्चों की शादियाँ सर ने करवाई, मतलब हर चीज़ में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी। ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे हमारे सर, और लास्ट में जब सोते थे इनके डोंग देके और सोते थे, रामायण की चौपाई बोलते थे और फिर सोते थे, और लास्ट में जब मैं उनको सुलाता था नींद उनको तभी आती थी जब एक बार मैं उनके सिर पे हाथ फेरता था। अगर किसी रोज़ अगर बाय दब नहीं फेरा तो सुबह आके मेरे से बोलते थे, रात मेरे को नींद नहीं आई महावीर, बोला सर कैसे तेरे मेरे सिर पे हाथ नहीं फेरा। ऐसे सर थे हमारे, क्या बात है, महावीर जी आप ग्रेट हो। दोस्तों ये तो हो गया घर का टूर, अब जरा हम उस पॉइंट पे आते हैं जिसके बारे में सब जानना चाहेंगे कि कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कि कैसे सर ने पढ़ाना शुरू किया और कैसे धीरे धीरे करके कोटा इतना मशहूर हुआ। मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम वो शुरू का दशक कैसा था, कितने बच्चों के साथ सर ने पढ़ाना शुरू किया? सबसे पहले इनको कोचिंग का क्या है, ये मेरी जो बड़ी वाली बेटी थी पूजा बंसल, उसको ये जब छोटी थी तो ये कमरे में चार्ट लगा रखा था इन्होंने, और उसको पढ़ाने का शौक़ था, जब फैक्ट्री से आते थे तो पढ़ाने बैठ जाते थे उसको। तो ऐसे ही हमने वहाँ जेके में चिटफंड ज्वाइन कर रखा था, तो वहाँ एक दो की मम्मियों ने कहा कि सर हमारे बच्चों को भी पढ़ा देंगे क्या, तो हमने आके कहा कि आप पढ़ा दोगे क्या। वो एक RS पांडे करके थे, वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, तो उनका लड़का शायद 8th में था, तो इन्होंने कहा भेज देना। फिर एक और थे वहाँ हरे राम शर्मा करके एक और, फिर उन्होंने भी अपना बच्चा भेजा। तो ये पैसे किसी से नहीं लेते थे, ऐसे ही पढ़ाते थे, तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते इनका नाम इतना फेमस हो गया कि फिर JK के बच्चे 11th-12th में भी आने लगे इनके पास, तो ये पढ़ाने लग गए। फिर किसी ने इनसे कहा कि भई आप पैसे लेना शुरू करो बच्चों से, नहीं तो फिर आपको बीमारी आपकी बढ़ती जा रही है तो फिर आपका कैसे होगा। फिर इन्होंने इस तरह से शुरू किया पढ़ाना, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए। ठीक है, क्या मेजर रोल ये रहता था, मम्मी हमेशा जैसे सब इवन टीचर्स को ही पता है और कि मम्मी हमेशा पापा का बंसल सर का जो है ना एक
लेफ्ट हैंड उस फॉर्म में, कि इनको खाना खिलाने का बड़ा शौक रहा है हमेशा से। हाँ। तो बच्चों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना कि भाई कोई भी बच्चा दुखी है या कोई बच्चा घर की आधारी है, या सर जिन बच्चों को बोल देते थे कि भाई कल सुबह नाश्ते पे आएंगे सारे टीचर्स या बच्चे, तो नीलम बढ़िया नाश्ता खिलाना, तो उस, क्योंकि मम्मी का कभी कोचिंग वर्ल्ड में एज सच इतना ज़्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। बच्चा बीमार पड़ गया तो उसे खाना दे दिया, खिचड़ी बना दी, कुछ कर दिया, ये रोल रहता था। जैसे ये इन्होंने कोई टेस्ट लिया तो हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तो हम कहते ला हम आपके मार्क्स जोड़ दें, तो बैठे बैठे मार्क्स जोड़ देते थे, जितना कर सकते थे उतनी हेल्प कर देते थे। सर डांटते थे कि नहीं बच्चों को? बहुत सर। डांटते भी थे, प्यार भी करते थे दोनों चीज़ का। डांट तो हम लोग सबको ही बहुत पड़ती थी, हमें भी बहुत पड़ती थी। क्या बात है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जरूर सुना होगा सर से भी, सर ये बहुत टफ रहा होगा कि मतलब कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये डिजीज है जहाँ पे शरीर का अंग अब काम करना बंद कर रहा है, जहाँ पे डॉक्टरों ने कह दिया कि मतलब कि आपकी लाइफ स्पैन जो है वो छोटी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत रखना और एक इंस्टीट्यूट फॉर्म करना, कोटा को एक इतना बड़ा नाम मतलब कि दिलाना, सर कैसे सर ने किया इस चीज़ को सर, जो सो फार आप बता पाएँ सर, प्लीज़ बताएँ। सादिक जी, मैं आपकी इस बात का जवाब सिर्फ, वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है इसको बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बस मैं इसका जवाब सिर्फ एक ही लाइन में देना चाहूँगा। और सर को हमेशा से ये गाने के बोल बड़े इंस्पायर करते रहे हैं, और तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो सर ने कभी ये सोचा ही नहीं जीवन में कि भाई मुझे कोई बीमारी है, और बस बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और हमेशा खुश रहते थे। ठीक है क्या? और सर का जो ये एक मानना था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको जो समय की बागडोर है, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, उसका जो बागडोर है वो अपने हाथ में रखनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। आपके इस मंच के माध्यम से सभी बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि समय की इम्पोर्टेंस समझें और अपना मिनट कंट्रोल करें, क्योंकि मिनट कंट्रोल कर लिया बच्चों तो आपका जीवन कंट्रोल हो जाएगा और आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। सर कोटा में बंसल क्लासेस चल रही है, पूरे इंडिया में पैन इंडिया बंसल क्लासेस के सेंटर वगैरह हैं, आप उस चीज़ को देख रहे हो, अच्छे से संभाल रहे हो, तो सर मतलब कि कैसी चल रही है चीज़ें, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आप उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हो और आपका क्या विजन है बंसल क्लासेस को लेके, क्योंकि आप सारा बागडोर आप ही संभाल रहे हो। सादिक जी, अभी तो लाइक वी हैव पैन इंडिया 33 सेंटर्स, चाहे वो सेंटर्स महाराष्ट्र में हों, चाहे वो कलकत्ता में हों, ईस्ट साइड में हों, चाहे राजस्थान में हों। ठीक है, तो अभी 33 सेंटर्स, और मेरा जो विजन है वो यही है कि मुझे पैन इंडिया इस चीज़ को इन कमिंग ईयर्स एक छोटा टारगेट लेके चला हूँ कि मैं को 100 सेंटर्स क्रॉस करना है। और मेरा एक लक्ष्य है जो नॉर्मली, वैसे मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, बट हाँ, आने वाले 5 वर्षों में कोटा से पुनः मैं चाहूँगा कि बंसल क्लासेस से फिर से मेरी कोशिश रहेगी, कि मुझे पता नहीं कि ये कहाँ तक मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्स्ट रैंक फिर से एक दफ़े बंसल क्लासेस से लाऊँ, और उसके लिए मेरा प्रयास जारी है और मेरा कंपटीशन खुद ही अपने आप से, जैसा कि हर इंसान को अपने आप से खुद कंपटीशन रखना चाहिए, किसी से कंपटीशन करना नहीं चाहिए, तो मेरा कंपटीशन खुद से ही है। तो विजन मेरा एकदम क्लियर है, पैन इंडिया अपने सेंटर्स ग्रो करने हैं, और कोटा में मेरा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मैं, और अभी भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, लाइक हमारा मेडिकल विंग भी चल रहा है, हमारा जूनियर विंग जिसको सो कॉल्ड एज फाउंडेशन विंग कहते हैं 6 to 10th, वो भी चल रहा है, जेई विंग चल रहा है बहुत अच्छी तरह से 11th 12th, बट जो सर की पॉलिसी थी सिलेक्शन थ्रू रिजेक्शन, मैं उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूँ। और लाइक हमारी एक अच्छी टीम है जो कि एक लाइक टेस्ट के बाद, जैसे पहले तो जो होता था कि एक सर्टेन परसेंटेज ज़रूरी होती थी उस टेस्ट को क्लियर करके एडमिशन के लिए, वो सारे सिद्धांत मैं दोबारा से ले आया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि पर्सनली जहाँ तक हर बच्चे को टेस्ट के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू के बाद ही ले सकूँ, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो ये है, वीडियो लंबा हो गया होगा होप, लेकिन आप एक भी मिनट स्किप नहीं किए होंगे, क्योंकि एकदम हर चीज़ को हम कनेक्ट करते हुए आए इस वीडियो में। हर चीज़ दिखाया सर का, जो भी बिलोंगिंग्स है वो चीज़ें दिखाई हमने, मैम से भी बात किया। सो थैंक्स अ लॉट सर वंस अगेन कि आपने हमें अलाउ किया अपने घर में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सादिक जी, थैंक यू। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने कोशिश तो करी थी कि मतलब कि भाई आपको थोड़ा खींच सकूँ चीज़ को, नहीं नहीं लेकिन आपने मतलब हैट्स ऑफ यू सादिक जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।